उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में राजधानी जयपुर में सर्व समाज की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। विशाल धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसको लेकर राजधानी जयपुर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। दिल्ली रोड से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता जियाउद्दीन खान ने। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के मामले को लेकर राजधानी जयपुर के अंदर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही रामायण पाठ का आयोजन स्टेच्यू सर्किल पे किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद के अंदर लोग इस प्रदर्शन के अंदर जुटने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं इस वक्त गलता गेट के दिल्ली रोड के ऊपर, जो सिटी के अंदर इंटेंस होने वाले तमाम जैसे ही चौराहे हैं जहाँ पे भारी तादाद के अंदर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी जयपुर शहर के अंदर घटित ना हो। इस विशाल प्रदर्शन के दौरान लोग साफ तौर के ऊपर सर्व हिंदू समाज की ओर से बुलाए गए इस विशाल धरने प्रदर्शन के अंदर बड़ी तादाद में लोगों की पहुँचने की संभावना है और अधिकारी भी लगातार शहर के अंदर गश्त कर रहे हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गलता गेट चौराहे के ऊपर जो सिटी के अंदर जाने वाला ये रास्ता है, यहाँ पे लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ACP सुनील प्रसाद जी वो भी खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह का जाब्ता लगाया गया और क्या तैयारियाँ हैं पुलिस की? देखिए, आज जो रैली हो रही है वो स्टेचू सर्किल पे हो रही है, उसके लिए बड़ी मात्रा में लोग जा रहे हैं। तो जो रूट दिया गया है गलियों से ना जाएं और जो मुख्य सड़क रास्ते हैं ट्रांसपोर्ट नगर होके जाएं, इसके लिए हर जगह जाब्ता लगाया गया है कि वो गली मोहल्ले से ना जाके मुख्य सड़क से जाएं, क्योंकि शांति कायम रहे और इसी का आपका पूरा प्रयास है। इसी को लेकर किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, खासतौर से क्योंकि परकोटा एरिया और आपका एरिया ज़्यादा सेंसिटिव जोन में आता है? देखिए, संवेदनशील क्षेत्रों में हमने अतिरिक्त जाब्ता लगाया है, ड्रोन हम उड़ा रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था है, चेतक है, मोबाइल्स है, सिग्मा है, ऑफिसर्स लगाए गए हैं और उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली हो। देखिए, कल शांति समिति की भी बैठक ली गई थी, कई संगठनों से भी मुलाकात की थी और ये था कि प्रदर्शन किया जाए लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। जी, क्या रखा था उसके अंदर मैसेज? हमने यही मैसेज लोगों को दिया है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है और सही तरीके से कहें, कानून का उल्लंघन ना करें और अगर उल्लंघन करेंगे तो सख्ती से कार्रवाई होगी। कि साफ तौर के ऊपर जयपुर शहर के अंदर जो जाने वाले जो एंट्रेंस हैं उसके अंदर क्योंकि रूट तय कर दिया गया पुलिस की तरफ से कि ट्रांसपोर्ट नगर जो दिल्ली हाईवे से आने वाले जितने भी लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए स्टेच्यू सर्किल पहुंचेंगे और साफ और जो कोटा और बाहर की तरफ से जो आने वाले जो लोग हैं, ये कहा जाए कि टोंक चाकसू आसपास के इलाकों से आने वाले हैं वो टोंक रोड से होते हुए स्टेच्यू सर्किल पहुँचेंगे। जो तय मार्ग है उसके अलावा अगर कोई सिटी से या गलियों से स्टेच्यू सर्किल जाने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। यही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, आने जाने वाले से हर तरह से पूछताछ की जा रही है और यही तस्दीक की जा रही है कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, जाने के पीछे वजह क्या है। अगर जाना है उस धरने प्रदर्शन के अंदर विचार रैली के अंदर तो जो रूट तय किया गया उसी रूट से जाया जाए। फिलहाल पुलिस मुस्तैद है, एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, किसी तरह की अनहोनी जयपुर के अंदर घटित ना हो इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।